मन शेयर करने का सौभाग्य मिल जाएगा। और सर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मैंने जो भी टीचर ग्रुप में तो बहुत कम ऐसा पब्लिकली में पहली बार ऐसा बोलने का मौका मिला है, मैं क्लास में भी कभी नहीं बोलता है सर, लेकिन बाकी टीचर ग्रुप में सर मेरे एक आदर्श रूप में है, जो कि एक अच्छा वक्ता हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, और प्रबंधक की क्षमता सर कमाल की है। निश्चित तौर पर एक व्यक्ति में इतने सारे गुण मैंने तो बहुत कम देखा है, और खासतौर पर कोचिंग इंडस्ट्री में सर का भी मैं लोहा मानता हूँ। सर में जितनी भी टीचिंग है सर एक साथ क्वालिटी होना, वो मैंने या तो नरेंद्र मोदी में देखा या विकास में देखा। अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि सरकार निर्देशन सदैव हमारे साथ है और उसके साथ हम लोग काम करते रहेंगे, और आप लोगों को हृदय से अच्छे भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना। इसके बाद भी आपका दृष्टि से हमसे संबंध बना रहेगा, कभी भी आप आइए तो मेंस की देते समय, इंटरव्यू देते समय, तो हम लोग जितनी भी सहायता कर सकते हैं करेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये सर आज भावुक है सर, कभी भावुक नहीं होते सर, आज तक कभी भावुक नहीं होते। नहीं राजेश जी, वो भावुक आदमी है, क्लास में वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि भावुक नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है कि विदेश के लिए भावुक होना भी नहीं चाहिए, विदेश नीति तो मसला ही अलग है। तो विदेश नीति पढ़ाने वाला भैंस की आठवीं क्लास को भावुक हो गए क्यों नहीं भावुक हो गए? तो मैं भी यही कहूंगा, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा बहुत इंप्रेशन आप लोगों से नहीं हुआ, मतलब क्लास में आके नहीं हुआ, क्लास के बच्चों से अलग अलग तो होता रहा, क्लास में नहीं हुआ। नहीं मुझे पता है कि बच्चों ने कि एक बार पहले कुछ बात हुई जब मैं तो इस बीच में कोई समस्या रही हो, कोई दुख हुआ हो आपको प्रबंधन से संगठन से, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर मान लीजिए, और मेरा ख्याल है कि सब टीचर्स ने और मैनेजमेंट की पूरी टीम ने पूरी कोशिश की होगी, जो संभव होती है, कोई चीज संभव नहीं होती वो अलग बात है, पर जो कुछ भी संभव है हमारी कोशिश रहती है कि विद्यार्थियों को मैक्सिमम जो मिल सके हम दें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग, थोड़ा देर हुई होगी लेकिन कम से कम अमूमन सब चीजें ठीक से हो गई होंगी, इस विश्वास से जाएंगे। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप कभी भी ऐसा लगे कि कुछ जरूरत है दृष्टि से, तो आप निस्संदेह निस्संकोच आए मैनेजमेंट के पास, और जो कुछ भी हमारे लिए संभव होगा पीछे नहीं हटेंगे, आप भी याद करने के लिए, चाहे वो करंट अफेयर्स है कुछ भी, वो सब चीजें आपके साथ लगातार चलती रहेंगी। बहुत मोटिवेशनल किस्म की पंक्तियां मुझे ज्यादा नहीं आती है। एक बच्चे ने पर्ची भेजी कि सर एक आध शेर सुनने के बाद तो शेर मुझे आते तो बहुत सारे हैं, पर मैं मौके के हिसाब से नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस मौके पर कौन सा शेर होना चाहिए। तो मुझे जो शेर थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं उनमें से एक आपको जो इस मौके के लिए बहुत मौजूद किस्म का शायद ना हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बैच पढ़ाया था हिंदी साहित्य का, मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ, तो उस बैच में एक बच्चे ने मुझे वो शेर सुनाया, लिख के भेजा, और मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके बाद से वो मेरा मोस्ट फेवरेट शेर बन गया है। दुनिया की अधिकांश झगड़ों की जड़ में केवल एक कम्युनिकेशन गैप होता है, पर किसी चीज से जोड़िएगा मैं इस बात को, एक सामान्य बात है और जोड़ेंगे तो भी ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया के लगभग हर झगड़े के मूल में कम्युनिकेशन गैप ही होता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों पक्षों में से कोई बुरा है, कई बार क्या होता है एक दूसरे को समझा पाना अपनी बात वो नहीं हो पाता, और जब दो पक्ष एक दूसरे की बात का समझ पाए तो गलत फहमी हो जाती है, गलत कोई नहीं होता लेकिन गलतियां हो जाती है। तो उसी को एक बड़े से शेर में किसी शायर ने कहा, तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि मनोविज्ञान को समझने का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है। वो शेर ये है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले। इतना ही तो गम है दुनिया में, इतना ही गम है
कि कोई चाह रहा था, मतलब संबंधों की बात, दोस्तों में, पति पत्नी में, भाई बहन में, पेरेंट्स बच्चों में, किसी में, सब में ये संबंध है कि हर व्यक्ति अपेक्षा करता है कि हमसे बात हो, हमें किसी पूछा जाए, और केवल इसलिए कि किसी को ये एहसास होने लगे। ये सीख हम सबके लिए होती है कि जो भी आपके जीवन में आपके साथ के लोग हैं उनको लगातार ये एहसास करवाते रहना कि वो महत्वपूर्ण है तो बेहतर रहता है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको एहसास करवाऊं आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे, और जो हम आपके लिए कर सकते हैं बेहिचक पूछिएगा, हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिठाई लेके जाइएगा और जब मौका मिले आप।